हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट पार्ट होंगे। भाई आज यासिर भाई के सेटअप में आए हैं। माशाल्लाह इन्होंने पूरा कंप्लीट सेटअप चेंज कर लिया है अपना। चिकन की वैरायटी भी बहुत है इनके पास और पैरट्स वगैरह भी काफ़ी हैं। तो चले बात करते हैं यासिर भाई से कि क्या क्या वैरायटी रखी है उन्होंने और किस मकसद के लिए उन्होंने रखा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह सेटअप काफ़ी चेंज लग रहा है आपका। तो क्या वैरायटी आपने चेंज की है और ये बर्ड्स रखने का क्या मकसद है? बर्ड्स शौक आपको पता है वैसे ही है मुझे, तो वो थोड़ा सा जगह को रेनोवेट किया दोबारा से। अच्छा, रैबिट्स के साथ अब पहले भी आपने रखे हुए थे बर्ड्स? हाँ जी, अब थोड़ा से बढ़ाए हैं, पोल्ट्री बढ़ाई है। अच्छा। फैंसी हैं, मुर्गियाँ आ गई हैं है। कुछ जावा डव्स हैं, कुछ ये रिंग नेक के, ग्रीन रिंग नेक के ब्रीडिंग पेयर्स हैं, टॉटॉइज हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। बस शौक है दहशत, इसलिए बढ़ाते जा रहे हैं और स्कोप है अल्लाह का शुक्र। इस शौक के साथ तो पैसे भी आ जाते हैं। तो ब्रीडिंग करवाने का मकसद है? मैं जी जी ब्रीडिंग करा। सही है, तो चले आपको दिखाते हैं। इन्होंने माशाल्लाह रिंगनेक के ब्रीडर पेयर लगाए हैं, तो अभी ये सीज़न जब आएगा तो ये काफ़ी ब्रीड निकलेगी इनके पास। ठीक है, और चिक्स वगैरह सेल करेंगे आप? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। ठीक है, तो चले आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इनके पास जो है वो ग्रीन रिंगनेक के पेयर हैं। तो तादाद कितनी है पेयर्स की? ये तकरीबन इस वक्त 22 पेयर मेरे पास लगा हुआ है। 22 पेयर माशाल्लाह। हाँ जी, सही है। ग्रीन रिंगनेक के सारे ब्रीडर पेयर हैं ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्रीडर हैं। तो आपने अभी परचेज़ किया मेरे ख्याल से? जी ये काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 4 महीने पहले लिए थे। अच्छा, 4 महीने पहले। तो किस हिसाब से लिए थे आपने? ये 10,000 रुपये का पेयर लिया था, क्योंकि ये लगे हुए पेयर हैं और ये पहले भी ब्रीड कर चुके हैं। सही है, 22 पेयर एक ही जगह से लिए थे? जी एक ही फार्म से उठाए हैं। सही, 10,000 के फार्म। जी हाँ। अभी वैसे पेयर की रेट भी बढ़ गई है काफ़ी, तकरीबन जो है ये सीज़न जो है मेरे ख्याल से 14-15 हज़ार तक का जाएगा पेयर। जी हाँ, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। अभी ये सीज़न नहीं है, इसके बावजूद भी जो है वो 10,000 का उठाया आपने। ये पेयर देखें माशाल्लाह, क्वालिटी देखें, ऊपर देखें, काफ़ी अच्छे पेयर हैं। साइज़ वगैरह देखें इनका, ठीक है, और सेल्स वगैरह देखें। तो इंशाल्लाह ये जैसे ही ब्रीड इनकी आएगी तो बच्चे वगैरह जो है वो यासिर भाई सेल करेंगे। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह जावा भी इन्होंने काफ़ी लेके डाली है। कौन सी जावा डाली है ये? ये सिल्वर जावा है। सही है, सिल्वर जावा के ब्रीडर पेयर लिए थे? पट्टे ये पट्टे लिए थे मैंने, तकरीबन 20 पेयर लिए थे पट्टों के। 20 पेयर अब? हाँ जी, तीन तीन करके, तीन पेयर पर केज के हिसाब से इनको मैंने कॉलोनी बना के डाला। सही सही, ये कॉलोनी इसका साइज़ क्या है केज का? ये 3x2 का साइज़ है। अच्छा, 3x2 के साइज में तीन पेयर रखे? तीन पेयर। सही, वैसे जावा जो है वो सर्दियों में ठंडी जब हवा चलती है तो उसमें काफ़ी इनको प्रॉब्लम होती है, तो ये आप क्या करेंगे इसमें? ये जो ये अभी पीछे पैनाफ्लेक्स सारे लग जाएंगे। अच्छा, ये मेरा वो शेड है जहाँ पे रैबिट्स होते थे। सही है, रैबिट्स को मैंने चेंज किया है थोड़ा उनकी जगह को, यहाँ पे बर्ड्स रखे हैं, तो ये सब पैनाफ्लेक्स से सारा कवर हो जाएगा। हाँ जी, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही। ये देखें नीचे भी माशाल्लाह इन्होंने रखे हैं ये। ठीक है, एक कॉलोनी कॉलोनी टाइप बना दी है, तो कॉलोनी जावा के लिए वैसे ही अच्छी होती है। और सिल्वर जावा का आजकल रेट भी काफ़ी अच्छा है, रेट बहुत बड़ा हुआ है जावा का। वैसे जावा नायाब हुई है, मिल नहीं रही है, ठीक है, लेकिन रेट जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है इसका सिल्वर जावा। अभी कुछ मटकियों में भी जाना शुरू हो गया मेरे ख्याल से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, घास लगाई थी तो अब नेस्टिंग कुछ ने शुरू कर दी है। अच्छा, नेस्टिंग कर रहे हैं अभी? जी सही सही। अच्छा, इसके अलावा डव भी रखे हैं आपने? जी डव भी है। सही है, डव के कितने पेयर लगाएं? डव के तकरीबन इस वक्त 20 पेयर हैं मेरे पास। 20 पेयर? हाँ जी। सही सही, वाइट टेल लगाएं सारे डव? जी नॉर्मल कॉमन डायमंड डव है। अच्छा सही, डायमंड, ये वाइट टेल के डव हैं। ठीक है, पट्टे लिए थे, बड़े लिए थे? ये भी पट्टे उठाए थे। पट्टे उठाए थे, सही। माशाल्लाह काफ़ी इनका जो है वो अच्छा चल रहा है अभी सेटअप, इंशाल्लाह बढ़ेगा। और तो क्या आपने देखा? अभी तो खैर स्टार्ट किया है, अभी कंपैरिजन करना तो इतना वो नहीं है। फैंसी पोल्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा मेरा रुझान था, तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेड लोकल चीज़ें डाली हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बर्ड्स पे थोड़ा सा इस वक्त काम है। सही, जो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह इसको भी बढ़ा देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। चलें तो पोल्ट्री वगैरह जो है, चिकन वगैरह दिखाते हैं आपको। ये देखें माशाल्लाह, ये इन्होंने अलग अलग पेयर किया हुआ है डव की। अच्छा, ये फर्स्ट ब्रीड वाले हैं ये? ये सब पट्टे थे, अब ये फर्स्ट ब्रीड करेंगे, नेस्टिंग कर दी है इन्होंने। अच्छा, मोस्टली नेस्टिंग पे आ गए हैं, पेयर बना लिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये एग्स भी दिया है, देखें अभी रिसेंटली दिया है ना, अभी दिया है ना, आज का है। ठीक है, ये देखें एग भी दे दिया माशाल्लाह इसने आज।
और अलग अलग करके पेयर लगाए इन्होंने, तो इंशाल्लाह ब्रीडिंग अच्छी होगी। और रिंग नेक का आपको दिखाते हैं, मटकियों में जाना शुरू हो गए रिंग नेक। ये देखें भाई, माशाल्लाह रिंग नेक जो है वो मटकी के अंदर भी मादी जाना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंशाल्लाह कब इनकी जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। वैसे ठंड तो जल्दी शुरू हो जाएंगे, देखते हैं कब होती है ब्रीडिंग स्टार्ट। ठीक है, अच्छे पेयर सेट हो रहे हैं, यहाँ पे जगह भी काफ़ी अच्छी है और पेयर इंशाल्लाह जल्दी सेट हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह इनके पास जो है वो काफ़ी वैरायटी में हैंस है। ठीक है, ये कौन सा है बफ? ये वाइट बफ है, वाइट हैवी बड़ा है ये। नहीं, ये अभी तकरीबन 4 महीने के पट्टे हैं, पट्टे चूजे से बड़े हो रहे हैं, दोनों फीमेल है। अच्छा, चूजों से बड़े कितने टाइम में बड़े हो जाते हैं ब्रीड के लिए? ब्रीड के लिए तकरीबन 7 से 8 महीने लगाते हैं। अच्छा, 7 से 8 महीने खुद ही यहाँ पे दे देंगे अंडा ये? जी इसमें भी दे देते हैं। अच्छा, तो एग्स क्या सेल करते हैं आप, क्या करते हैं? इनक्यूबेट कराते हैं, उसका चूजा फिर सेल होता है। अच्छा, चूजा सेल करेंगे। ठीक है, अगर कोई एग मांगेगा आपसे तो देंगे आप? हाँ जी, एग भी दे देते हैं। ठीक, सही, ये देखें माशाल्लाह ये सारे इनकी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, कोई सेल पर्पज़ के लिए नहीं है, ये आपको दिखा रहे हैं। एग्स वगैरह बाकी इनके सेल हो जाएंगे और एग्स से जो बच्चे निकलेंगे वो भी सेल हो जाएंगे। ठीक है, और ये अच्छा, ये कौन सी है? ये सिल्वर सिब्राइड है और अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसका एक और कलर आता है गोल्डन, वो इस वक्त मेरे दूसरे फार्म पे यहाँ नहीं है। अच्छा, वो भी बहुत डिमांड में है। सही सही, तो ये कहाँ का, ये लोकल तो नहीं है यहाँ? ये यहीं ब्रीड हुए है, बट ये आते तो बाहर से ही हैं सारे। सही, इसका ओरिजिनल बेसिक तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट ये आए हुए होते हैं बेल्जियम से ज़्यादातर। अच्छा ठीक है, तो ये फुल बड़ा है या अभी ये बच्चे? फुल एडल्ट है। एडल्ट है, एग्स वगैरह दिए हैं क्या? एग दे रही है, दे रही है। सही, तो इसका अंदाजा नेक कितने का सेल हो जाता है? ये इसका चूजा जाता है तकरीबन 350 से 400 रुपए का। अच्छा, तो कितने दिन का चूजा? तो एक वन डे का, 1 डे to 15 डेज का। एग कोई सेल करता नहीं है। अच्छा, नॉर्मली चूजा 6 पैसों में जा रहा होता तो एग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। अच्छा, ये भी बफ है? ये हैवी कुचन है। कुचन, बफ हैवी कुचन जी। अच्छा, बफ ब्लू है। हाँ जी, ब्लू में है, एक फीमेल ब्लैक डली हुई है, बाकी ब्लू है। सही, ये है ये फुल बने, ये एग्स वगैरह भी दे रहे हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह बड़े साइज के, बहुत साइज बड़ा है यार इनका। वेट कितना होता होगा? ये तकरीबन 4 से 5 kg का होता है। अच्छा, इसका मेल का? मेल का। सही, और इनकी प्राइस क्या है, डिमांड क्या है इनकी? ये इसके बच्चे जो है वो 250 रुपये चूजा बिकता है। अच्छा जी, 250 रुपये। और ये फुल बड़ा ब्रीडर पेयर कितने का होगा? ब्रीडर इसका पेयर होता है 8 से 10 हज़ार रुपये का, डिपेंड ऑन क्वालिटी और पॉइंट्स। अच्छा, सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं। सही है, छोटे साइज का, ये अभी फुल बड़े हैं जी, मतलब ये फुल बड़े हैं। हाँ जी, इसमें ब्लैक कलर भी है मेरे पास, इसमें ब्लू कलर भी है। अच्छा माशाल्लाह, सही। इसके ये एग ले कर रहे हैं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एग ले। इनके चूज़े अगर आपको चाहिए हो तो चूज़े इंशाल्लाह मिल जाएंगे, रब्ता कर सकते हैं आप चूज़ों के लिए। ठीक है, और बाकी एग्स वगैरह भी अगर चाहिए हो तो एग भी मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, किसी को एग चाहिए तो एग भी। ठीक है, ये देखें भाई, ये वही पेयर है। ठीक है, क्या नाम था इसका? सिल्वर सिब्राइड। ये दूसरा सिल्वर सिब्राइड दूसरा पेयर है। ठीक है, ये फुल बड़ा पेयर है, छोटे साइज़ के होते हैं, बड़े खूबसूरत से। इनकी क्या अभी प्राइस चल रही है? ये तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये पेयर है। 8 से 9 हज़ार रुपये जी। ठीक है, इनके जो हैं वो एग्स ही बिकते हैं और चूजे। हाँ जी, चिक्स। ठीक है, चिक्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये कौन से है भाई? ये ब्लैक बेंटम है, छोटे ब्लैक बेंटम। जैसे आपने गोल्डन देखे थे, ये ब्लैक है, वो इस चीज़ है, ब्लैक के अंदर है। अच्छा, ये एक छोटी सी कॉलोनी में इतने सारे हैं, क्या वजह है इसकी? ये साइज छोटा है ना, दो अच्छा। मेल हैं बाकी 4 फीमेल्स हैं, तो ये एडजस्ट हो जाते हैं आराम से। सही, दो मेल के साथ 4 फीमेल आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चारों एग्स दे रही हैं इस वक्त जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एग ये कैसे देती हैं, डेली देती हैं या अल्टरनेट डेज पे दे रही है? अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन? 250 एग्स पर ईयर 280-250 अंडा देती हैं। एग लेइंग में बेंटम बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा एग ले करता है। सही सही, अभी आपको एग भी दिखाएंगे इनके इंशाल्लाह, अभी एग दिए हुए हैं काफ़ी इनके पास, तो वो भी आपको चेक करवाएंगे।
देखे भाई, ये बेंटम का दूसरा कलर है। कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू कलर है बेंटम का। सही। ये देखें माशाल्लाह, ये उसी साइज का है, उससे भी छोटा है बल्कि। कोको बेंटम जी, ये कोको बेंटम। कोको बेंटम नाम है भाई इसका। ठीक है, इसका भी एक लिंक का प्रोसेस यही है। जी जी सेम है। सही। आपने काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है इनको, मट्टी वगैरह डाली है। बालू मट्टी है ना ये? जी बालू। सही सही। ये कितने टाइम में मट्टी चेंज हो जाती है? ये तकरीबन डिपेंड करता है, अगर आप केयर कर रहे हैं, साफ करता रहता हूँ मैं, हर दो दिन बाद इसको छानते हैं। अच्छा, तो महीने बाद बदल देते हैं। सही सही। अच्छा, और एग भी दिया हुआ है इसने। एक इतना सा एग होता है इनका? यही जी, बहुत छोटा है। सही। वैसे है इनका साइज भी छोटा, तो एग भी छोटा भी होता है। ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, ये कौन से है भाई? ये गोल्ड पार्टेज भरामा बेंटम है। ये अभी रिसेंटली इंपोर्ट करवाया है बेल्जियम से, रिंगबर्ट है 2020 का। अच्छा जी, भरामा बेंटम गोल्ड पार्टेज। जी, गोल्ड पार्टेज भरामा बेंटम। सही सही। इनकी क्या प्राइस होती है? ये 22,000 रुपये पर पीस है। 22,000 पर पीस? जी। अच्छा, और इसके आप आर्ट देखें कैसा हुआ है, अल्लाह पाक की शान। इसके माशाल्लाह बिल्कुल मोर की तरह है इसके पर, बेहतरीन खूबसूरत है। मुर्गी भी बहुत खूबसूरत है इसमें, मुर्गा भी। अच्छा, इसका चूज़ा कितने का मिल जाता है? इसका चूज़ा है तकरीबन 3,000 रुपये का, छोटा एक एक दिन का चूज़ा। जी, 1 to 15। और इसका अंडा? एग नहीं सेल कर रहे होते इसके। अच्छा। हाँ जी, चूज़ा ही निकाल के देते हैं तो सर्वाइव कर जाते हैं छोटे चूज़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, एक एक दिन के। जी बिल्कुल करते हैं, वैक्सीन हुआ हुआ होता है। अच्छा, अगर आप चूज़ा देंगे तो वैक्सीन करके देंगे? बिल्कुल, ये सब वैक्सीन है, और जितने में चूज़े भी निकालते हैं वो सब वैक्सीन कर देते हैं। ठीक। अच्छा, ये वही है? नहीं, ये गोल्ड पार्टिश प्ले माउथ बेंटम है। अच्छा, प्ले माउथ है। ये छोटा साइज है? ये इसका छोटा भी है, और इसके देखें पाँव पे पामोज भी नहीं है। अच्छा, और ये भी रिंग बर्ड है 2020 का। ये रिंग डले हुए हैं देखें पाँव में इनके, बाहर के इम्पोर्टेड हैं ये। सही है। इसकी क्या प्राइस है? ये 20,000 रुपये पर पीस है, 60,000 का ट्राई हुआ। ठीक है, 20,000 रुपये पर पीस है। अगर तीन अगर आप लेंगे, दो हैंड्स और एक कॉक, तो कितने का मिलेगा? 60,000। 60,000। ठीक है। कौन से है भाई? ये जैपनीज मोल्टेड बेंटम है। ये देखें, ये खड़े में लगता है बैठे में। नहीं, ये खड़े हुए उठे। अच्छा, यहीं इतने छोटे छोटे इनकी टांगे। अच्छा, टांगे बहुत छोटी छोटी सी हैं जी। और मुर्गा देखें आप, उसकी टेल उसके सर से लग रही है। ये भी रिंग बर्ड है, ये भी बेल्जियम से इम्पोर्ट हुआ है अभी रिसेंटली, एक दो हफ्ते हुए हैं। तो क्या प्राइस है इसकी? ये 20,000 रुपये पर पीस है। सही है। चिकन हैंस, और ये कोई भी ब्रीडर सेल फॉर सेल नहीं है, सिर्फ इनके चूज़े फॉर सेल है, ऐसे ही है ना? जी हाँ बिल्कुल। अगर कोई किसी को मिस्टेक हो जाए, गलत फहमी हो के भाई, ये किसी ब्रीडर को अगर चाहिए इम्पोर्टेड के अंदर, तो मुझे बता दें, मेरे पास आप अरेंज करवा देंगे? बिल्कुल, मेरे पास जो है वो माल इम्पोर्टेड दूसरे फार्म पर होता है जो फॉर सेल होता है। अच्छा जी, बिल्कुल। चलें ठीक है, यासिर भाई का कॉन्टेक्ट नंबर इंशाल्लाह आपको दे देंगे, तो आप रابطہ करके जो है वो आप इनसे ब्रीडर बर्ड भी ले सकते हैं और इनके जो है वो चूज़े भी ले सकते हैं। ये मिली फ्लेयर है फेवरेस में, आप देखें इनके चीक्स के ऊपर जो है ना वो बाल से हैं दोनों में। सही, 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 सही। ये बहुत प्यारी खूबसूरत मिली फ्लेयर्स। मिली फ्लेयर, कोई मिली फ्लावर बोलता है, मिली फेवरेस बोलता है, मिली फ्लेयर है। सही सही। इनके पाँव पर भी काफ़ी बड़े बड़े पर हैं जी, छोटे से होते हैं। अच्छा, ये ब्रीडर पेयर है? ये भी ब्रीड का, अंडे दे रहे हैं। अंडे दे रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन? हाँ जी, अल्टरनेट डेज पे। ठीक। तो इंक्यूबेट आप खुद करते हैं या किसी को देते हैं? इंक्यूबेट, इंक्यूबेशन सिस्टम ही सब मेरे पास। अच्छा, आप खुद करते हैं? जी। ये देखिए भाई, हीरा जो है वो है ये, ठीक है, असील में आता है ये। काफ़ी इनके मुर्गे फाइटर होते हैं, और ये खूबसूरत भी है काफ़ी माशाल्लाह। तो तीन मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? ये 25,000 रुपये का है सेट, इसमें दो फीमेल एक मेल, 25,000 रुपये का। ये वाइट हीरा है,
असील के अंदर जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, डिमांड करते हैं। सही, पंजाब वगैरह में काफ़ी वैल्यू है इसकी, पसंद किया जाता है। सही सही, 25,000 का सेट है, दो फीमेल और एक मेल का। ठीक है, आपने तीन रखे हुए हैं इसके साथ। सही, अच्छा इनके भी एग चिक सेल करते हैं आप? जी, इसके भी चिक सेल। सही है, क्या क्या डिमांड है उसके चिक की? ये 500-550 रुपए का एक चिक होता है। जी ठीक है, और कंफर्म वाइट होता है वो? हाँ वाइट है, वाइट ही बिल्कुल बिल्कुल, कोई डॉट नहीं है, प्योर वाइट, पेपर वाइट आएंगे। गंदे हो रहे हैं तो अलग बात है वैसे। सही सही, अच्छा ये कौन से हैं भाई? ये सिल्की हैं। सिल्की? हाँ जी। अच्छा, सिर्फ सिल्की? हाँ जी, ये वाइट सिल्की है और डबल कॉम के अंदर है। ठीक है, और क्वालिटी आपके सामने इंतहाई खूबसूरत है। दो मेल हैं इसमें। अच्छा। बाकी फीमेल्स हैं चार। सही सही, चार फीमेल दो मेल, माशाल्लाह। इनकी क्या प्राइस होती है? इनका बच्चा होता है तकरीबन 3,000-3,500 रुपये का। अच्छा, और पेयर इनका 10,000-11,000 रुपये का होता है, मेल फीमेल का 10,000-11,000। जी ठीक ठीक, अच्छा ये गोल्डन बफ है? जी ये गोल्डन है, हैवी के अंदर। इनका साइज़ चेक करें, ये आपको कराची में बहुत ही कम ये साइज़ मिलेगा, वरना नॉर्मली लोगों के पास इससे छोटा साइज़ होता है हैवी के अंदर। अच्छा, इसके आप माशाल्लाह साइज़ मुर्गियों के भी और मुर्गे के भी देख सकते हैं। सही, इनका तकरीबन वेट कितना होगा मुर्गे का? वेट ये तकरीबन 5 kg का है। 5 kg का, सही सही। और क्या प्राइस क्या होती है इसकी? ये वाले जो हैं ये 11,000-12,000 रुपये का पेयर है, वरना नॉर्मली तो 5-6,000 रुपये में मिल जाते हैं। अच्छा। जो अंडरवेट होता है। सही सही, और इनका चेक कितने का है? इनका चेक जो है वो 200-250 रुपये का है। 200-250 नॉर्मल, वो वाला 120-150 रुपये का मिलता है, ये 250 तक का। गोल्डन बफ? गोल्डन बफ हैवी के अंदर। हैवी, ठीक। ओके व्यूअर, तो भाई आपको एग्स दिखा रहे हैं, इसमें सारे एग्स हैं। ठीक है, जितने भी आपको हैंस दिखाए हैं उनके सबके एग्स इसी के अंदर हैं। तो ये इनक्यूबेट हो रहे हैं, इंशाल्लाह इनके चिक जब निकलेंगे तो चिक फॉर सेल होंगे। कितने एग्स इनक्यूबेट हो रहे हैं? मुख्तलिफ मेरे पास इनक्यूबेटर इस वक्त लगे हुए हैं, इसके अंदर तकरीबन 80 अंडा इस वक्त लगा हुआ है इस वाले इनक्यूबेटर में। इसमें इनक्यूबेटर टोटल कितने हैं जितने भी इनक्यूबेटर हैं? मेरे पास तकरीबन 400 एग्स का सेटअप है। सही है, 400 एग्स का। ठीक है, तो अभी इनको कितने दिन हुए हैं? ये तकरीबन मुख्तलिफ दो वक्त में रखे गए, 4 तारीख को रखे गए। अच्छा, ठीक है ना, तो किसी को और उससे पहले रखे गए तकरीबन 7 तारीख और 4 तारीख के रखे हुए। 7 और 4। ठीक है, तो अभी इनको टाइम लगेगा कितने दिन में निकल लगेगा आगे वाले इनक्यूबेटर? 21 दिन होता है। सही, ये ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर्स हैं, खुद रोल होता रहता है इसमें। सही, अच्छा पता चलेगा कि भाई इसमें से ये वाला चिक निकला है, ये सब में लिखे हुए नाम? नाम लिखी है, दूसरा रोल हो रहे हैं इसमें, जो रोलर लगा हुआ है इसमें। जो हमारे इनक्यूबेटर नॉर्मली यूज होते हैं वो मैनुअल होते हैं, इसको हाथ से अंडा हिलाना पड़ता है दिन में 3 बार, ये ऑटो हो जाता है, ऑटो खुद ही हिलता है। जी सही सही, ठीक है, फर्टिलिटी है अच्छी है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह, इनक्यूबेटर की। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह ये एग्स हैं। ठीक है, जो है इस वक्त हैचिंग पे, हैच होने वाले हैं। एक अंडा तो वो देखें सामने थोड़ा सा हैच हुआ है, ये देखें इसमें जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी खोल टूटी है ऊपर से थोड़ी सी। तो कल तक निकल जाएगा बच्चा इंशाल्लाह, कल और परसों में। अच्छा सही सही, ये कितने कब से रखे हुए हैं एग्ज? 21 तारीख से? जी नहीं, 21 तारीख से नहीं, 21 तारीख 21/9 को रखे थे। 21/9 को? इनका 19वां दिन है। सही सही, निकलने वाले 2-3 दिन में? जी 2 दिन में। ठीक है ठीक है, ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें। और यासिर भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे और एड्रेस वगैरह पूछ लेते हैं यासिर भाई, देखिए क्या उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है बताएं ज़रा। कॉन्टैक्ट नंबर है 0333-284-6567। अच्छा, कॉल की टाइमिंग बता दें किस टाइम? कॉल शाम में करें ज़्यादा बेहतर है, शाम से रात में। हाँ ठीक है, 5 बजे से लेके? जी हाँ, 5 से आप रात में लेट नाइट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो विज़िट के लिए अगर आना हो तो क्या एड्रेस है? अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 तबा हार्ट हॉस्पिटल के बैक साइड पे। तबा हार्ट हॉस्पिटल के बैक साइड, बैक साइड। कॉल करके आएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह।